बहुत सारे रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि लाइफ की शुरुआत ओशन से हुआ है। हालांकि ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, फिर भी समंदर पृथ्वी की एक लौता हैबिटेट है जहाँ पे पृथ्वी का 95% जीव जंतु रहते हैं। समंदर जो 1 मिलियन स्पीसीज का घर है, और वो समंदर और उसके अंदर रहने वाले जीव जंतु क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं क्या आपको पता है? सीस्पायरेसी डायरेक्टेड बाय अली तबरीजी एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें आपको ओशन के अंदर की इकोसिस्टम और जीव जंतु क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो सब दिखाया गया है। ये डॉक्यूमेंट्री एक नेचर डॉक्यूमेंट्री के रूप में स्टार्ट होता है और एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म डॉक्यूमेंट्री के रूप में खत्म होता है। इस डॉक्यूमेंट्री में डायरेक्टर एशिया से यूरोप तक जाकर इलीगल एक्टिविटीज को एक्सपोज किया है जो मरीन इकोसिस्टम को खत्म कर रहे हैं। हालांकि ये डॉक्यूमेंट्री भी परफेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से सीस्पायरेसी अपने इनिशियल रिलीज के वक्त बहुत सारे कंट्रोवर्सीज का सामना किया है। फिर भी अगर आप सिंपल इंफॉर्मेटिव मूवी के तलाश में हो तो फिर आप सीस्पायरेसी डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हैं, लेकिन अगर सेंसलेस मसाला मूवी देखना पसंद है आपको तो फिर आप ये डॉक्यूमेंट्री को स्किप कर सकते हैं। फिर भी अगर आप वो डॉक्यूमेंट्री नहीं देखना चाहते तो फिर हमारा ये एपिसोड ट्राई कीजिए, जिसमें हमने सीस्पायरेसी में दिखाए गए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताया है। ओशन और मैरीन एनिमल्स क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का एक कॉमन आंसर रहेगा प्लास्टिक, लेकिन ये कॉमन आंसर ओशन के ऊपर डिवेस्टेटिंग इफेक्ट डालता है। स्टैटिस्टिक्स की बात किया जाए तो डेली 8 मिलियन प्लास्टिक पीसेस ओशंस में डिस्पोज किया जाता है। समंदर में मौजूद सभी के सभी कछुओं के बच्चों के पेट के अंदर प्लास्टिक मौजूद है। करंट टाइम के हिसाब से 25 ट्रिलियन माइक्रो और 51 ट्रिलियन माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे ओशन को पोल्यूट कर रहे हैं, और इतने सारे प्लास्टिक्स के कारण प्रशांत महासागर के एक बड़े से हिस्से में प्लास्टिक्स जमा होकर 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का गार्बेज पैच बन गया है, जिसको एक ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच कहा जाता है। हर साल 1 मिलियन से ज्यादा सीबर्ड्स और 1 लाख मरीन मैमल्स प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से मारे जाते हैं। ओशंस में मौजूद सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट है फिशिंग नेट्स और फिशिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक आइटम्स। समंदर में अभी जितने फिशिंग नेट्स मौजूद हैं वो काफी हैं एंटायर प्लैनेट को रैप करने के लिए, वो भी एक बार नहीं दो बार नहीं बल्कि 500 से भी ज्यादा बार लपेट सकते हैं वो। मरीन इकोसिस्टम मरीन एनिमल्स प्लास्टिक प्रॉब्लम को छोड़ के भी और भी कई सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जैसे ऑयल एक्सप्लोजन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एक्सेट्रा। लेकिन इन सबसे भी एक और प्रॉब्लम है जो इन सब से यहाँ तक कि प्लास्टिक से भी ज्यादा डेंजरस है, जिस प्रॉब्लम को गवर्नमेंट और बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनीज हमसे छुपाते आ रहे हैं, और वो है कमर्शियल फिशिंग या इंडस्ट्रियल फिशरी या सी फूड इंडस्ट्री। कमर्शियल फिशिंग की वजह से 300 मिलियन वेल्स डॉल्फिन्स मारे जाते हैं। कछुओं के 7 स्पेसीज में से 6 स्पेसीज इंडेंजर्ड हैं कमर्शियल फिशिंग की वजह से। प्लास्टिक की वजह से हर साल 1000 कछुओं की मौत होता है। हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑयल एक्सप्लोजन मेक्सिको में हुआ था, उसमें जितने मरीन एनिमल्स मारे गए थे उससे ज्यादा कमर्शियल फिशिंग की वजह से मारे जाते हैं, वो भी हर साल। 1986 में वेल्स के शिकार पे बैन लग गया था, फिर भी कुछ साल बाद जापान, नॉर्वे, आइसलैंड वेल का शिकार करना शुरू किया और अभी तक कर रहे हैं। सीस्पायरेसी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है जापान अपने वेल हंटिंग को सीक्रेटिव रखने की बहुत कोशिश करता है। जापान में एक जिंदा डॉल्फिन को पकड़ने के लिए 12 एक्स्ट्रा डॉल्फिन्स को मार दिया जाता है। पूरी दुनिया में हो रहे कमर्शियल फिशिंग की वजह से ट्यूना फिशेस 3% से भी कम है। पूरी दुनिया में शार्क्स को उनके फिन्स के लिए मार दिया जाता है। पहले शार्क्स को पकड़ के उनके फिन्स को काट दिया जाता है और मरे हुए शार्क्स को वापस समंदर में डाल दिया जाता है। फिर शार्क्स के फिन्स को चाइना भेजा जाता है और उस सूप को एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। इस सूप में कोई न्यूट्रिशन नहीं है, ना ही कोई टेस्ट में अच्छा है, फिर भी इसको स्टेटस सिंबल माना जाता है, जिसकी वजह से एक फुल प्लेट शार्क फिन सूप का प्राइस नियरली $100 है, मतलब इंडियन करेंसी में 7400 रुपए है। समझ रहे हो, एक ऐसा फूड जिसका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, ना ही टेस्ट में अच्छा है, जिसको सिर्फ एक स्टेटस सिंबल मानकर खाया जाता है, जो कि एक अननेसेसरी फूड है। ऐसे फूड के लिए हम 11,000 से 30,000 शार्क्स मार देते हैं, वो भी ना ही हर साल, ना ही हर महीने, ना ही हर दिन, बल्कि हर घंटे मार देते हैं। Isn't it amazing? जो environmental activist groups environmental pollution के बारे में awareness spread करते हैं, वो तक commercial fishing industry से आने वाले plastic wastage के बारे में discuss करना नहीं चाहते। Ocean pollution के सबसे बड़े reasons में से एक है commercial fishing से आने वाले फिशिंग नेट्स और फिशिंग गियर्स। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच में एटलीस्ट 46% प्लास्टिक है फिशिंग नेट्स से। कमर्शियल फिशिंग की वजह से सिर्फ वेल्स, शार्क्स, डॉल्फिन्स पे खतरा नहीं है, बल्कि कोरल रीफ्स और सी बर्ड्स के ऊपर भी इक्वली खतरा है। एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं 2050 तक 90% कोरल रीफ्स खत्म हो जाएंगे। मछलियों का एक्सक्रीटेड वेस्टेज को खा के कोरल रीफ्स जिंदा रहते हैं, लेकिन जब कमर्शियल फिशिंग इंडस्ट्री मछली पकड़ के ले जाते हैं तब कोरल रीफ्स बिना खाने के मरने लगते हैं।
सिंपल शब्दों में अगर मछली नहीं तो उनका एक्सक्रीटेड वेस्टेज नहीं, और अगर वो नहीं तो कोरल रिफ्स नहीं बचेंगे। वैसे ही अगर मछली नहीं तो सी बर्ड्स भी जिंदा नहीं रहेंगे। अब कई लोग ये पूछेंगे कि दुनिया में और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पैंडेमिक, एयर पोल्यूशन, स्यूडो इंटेलेक्चुअलिज्म, तो फिर हम इस प्रॉब्लम को ही क्यों डिस्कस करें? और भी तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम इतना क्यों इम्पोर्टेंस रखता है कि इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बने, इस पे आर्टिकल्स लिखा जाए या इस पे एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाया जाए? ये एक एब्सर्ड लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का एक नहीं बल्कि कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहले वेल्स से स्टार्ट करते हैं। जब वेल्स समंदर के ऊपरी हिस्से की तरफ आते हैं तब वेल्स फाइटोप्लैंकटन नाम के छोटे मरीन प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो अमेज़न फॉरेस्ट से भी 4 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और दुनिया के 85% ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब समंदर में रहने वाले वेल्स के वजह से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो पाता है। तो इससे आप खुद ही समझ लीजिए कि वेल हंटिंग हमारे एटमॉस्फेयर के लिए कितना डेंजरस है। अभी पृथ्वी में जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसका 95% समंदर में मौजूद मरीन प्लांट्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं। कोरल रीफ्स, जिन्हें बहुत लोग अनइम्पॉर्टेंट समझते हैं, लेकिन असल में वो हमारे जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सिंपल टर्म्स, कोरल रीफ्स कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो समंदर के अंदर पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करते हैं। इंडस्ट्रियल फिशिंग से मछलियां कम हो रहे हैं, जिसके वजह से कोरल रीफ्स भी कम हो रहे हैं, और उसका इफेक्ट ये है जो CO2 कोरल रीफ्स में स्टोर था वो सब धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ये बात शॉकिंग है, लेकिन कमर्शियल फिशरी की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। श्रिम्प और प्रॉन फार्मिंग कमर्शियल फिशरी का ही एक पार्ट है। मैनग्रोव फॉरेस्ट ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एक इम्पॉर्टेंट हैबिटेट है, क्योंकि मैनग्रोव फॉरेस्ट हमें सुनामी और तूफान से बचा के रखता है। बेसिकली मैनग्रोव फॉरेस्ट स्टॉर्म बैरियर्स हैं, लेकिन श्रिम्प फार्मिंग और प्रॉन फार्मिंग की वजह से मैनग्रोव फॉरेस्ट तबाह हो रहे हैं। एक ग्लोबल एस्टिमेट है कि पूरे दुनिया में मौजूद मैनग्रोव फॉरेस्ट का 30% झींगे की खेती की वजह से नष्ट हो चुका है। झींगे की खेती मतलब श्रिम्प और प्रॉन फार्मिंग। एक फन फैक्ट, इंडस्ट्रियल बीफ इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल चिकन मीट इंडस्ट्री के वजह से भी एयर पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। एक फिश है सैल्मन, नहीं मैं यहाँ सलमान भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ एक फिश की बात कर रहा हूँ। सैल्मन फिश को सबसे पॉल्यूटेड और डर्टी फिश माना जाता है। सैल्मन फिश का असली कलर ग्रे है, लेकिन इसको कलरफुल दिखाने के लिए बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स और टॉक्सिकेंट्स का इंजेक्ट किया जाता है। सैल्मन फिश जितना पिंक दिखेगा उतना ही बिकेगा। प्लास्टिक से जितना वाटर पोल्यूशन होता है उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन सैल्मन फिश फार्मिंग से निकलने वाले ऑर्गेनिक वेस्ट से होता है। एक मछली जिससे आपको न्यूट्रिशन से ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स आपको मिलता है, ऊपर से उसी मछली के फार्मिंग से वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो फिर सैल्मन फिश फार्मिंग को एक बायोलॉजिकल नॉनसेंस कहना गलत नहीं होगा। ये तो सब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन इन सबको छोड़ के भी एक और सीवियर इम्पैक्ट है, और वो है इंडस्ट्रियल फिशिंग या कमर्शियल फिशरी स्लेवरी को बढ़ावा देता है। सीज पायरेसी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि किस तरह लोगों को बहला फुसला कर शिप्स में भर्ती किया जाता है, और जब शिप्स समंदर के अंदर पहुंच जाते हैं तब उन लोगों के ऊपर कितने अत्याचार किया जाता है, और उन इनोसेंट लोगों के पास या तो चुपचाप टॉर्चर और अब्यूज सहना या फिर मरने का ऑप्शन होता है। स्लेवरी या दासत्व की वजह से कई सारे लोग उन शिप्स में सालों तक मछली पकड़ने के लिए फंसे रह जाते हैं और मर जाते हैं या फिर मार दिए जाते हैं। दुख की बात यह है कि मरने वालों के घर वालों को कभी पता नहीं चल पाता है वो लोग कैसे मरे, और अथॉरिटीज को सिर्फ ये बोल दिया जाता है कि एक एक्सीडेंट में वो लोग मर गए, जबकि रियलिटी कुछ और होता है। सी फूड खाने वाले बहुत लोगों को ये नहीं पता कि उनके प्लेट में जो सी फूड है उसके पीछे स्लेवरी है। इंडस्ट्रियल फिशिंग और कमर्शियल फिशरी के वजह से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, स्लेवरी जैसे हार्मफुल इंपैक्ट्स होने के बावजूद अगर आपको लगता है इंडस्ट्रियल फिशिंग के ऊपर डिस्कस करना जरूरी नहीं है, देन आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। अगर ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, देन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इंटरनेशनल अथॉरिटीज, रेप्यूटेड मीडिया हाउसेस, ग्लोबल जर्नलिस्ट, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रुप्स क्या कर रहे हैं? वेल, दे आर जस्ट ब्लफिंग। 1986 में वेल हंटिंग के ऊपर इंटरनेशनल बैन लगाया गया था, लेकिन जापान, आइसलैंड और नॉर्वे इंटरनेशनल बैन के बावजूद वेल हंटिंग कर रहे हैं। जापानीज गवर्नमेंट अपने वेल हंटिंग प्रैक्टिस को दुनिया से छुपा के रखता है। सिर्फ जापानीज गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अपने सी फूड इंडस्ट्री की सच्चाई को लोगों से छुपा के रखने के लिए कुछ कुछ बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लेते हैं। ये बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा पैसा चार्ज लेके सी फूड इंडस्ट्रीज को सस्टेनेबल सी फूड का लेबल देते हैं, ताकि लोगों के नज़र में कमर्शियल फिशिंग का रियलिटी ना आए। सस्टेनेबल सी फूड का मतलब है आप जो सी फूड खा रहे हैं उसको आपके प्लेट तक लाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा मैमल या सी बर्ड्स को मारा नहीं गया है,
और कोई भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं किया गया है, जबकि असलियत में जिस जिस सी फूड इंडस्ट्री को सस्टेनेबल सी फूड का लेबल दिया गया है उनके वजह से ही सबसे ज्यादा वेल्स, शार्क्स, डॉल्फिन, टर्टल्स और सी बर्ड्स मारे जाते हैं। सी स्पायरेसी डॉक्यूमेंट्री में अच्छे से दिखाया गया है ये बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी सी फूड इंडस्ट्री को सस्टेनेबल है या नहीं चेक करने का एक प्रॉपर और ऑथेंटिक प्रोसीजर तक नहीं है। कहने के लिए इन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के सुपरवाइजर्स हैं जो सी फूड इंडस्ट्रीज के सस्टेनेबिलिटी को चेक करते हैं, लेकिन इन रियलिटी वो सुपरवाइजर्स रेयरली वहाँ मौजूद होते हैं और उन सुपरवाइजर्स को आसानी से रिश्वत खिला के काम निकाला जा सकता है। मतलब ये बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आप पैसा दे दो और बिना कुछ वेरीफाई किए वो आपको लेबल दे देंगे और हम आंख बंद करके वो सी फूड खरीद के खा भी लेंगे। और ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सी स्पायरेसी में दिखाए गए इंटरव्यूज में अच्छे से दिखाया गया है। बड़े बड़े एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रुप जो प्लास्टिक की वजह से हो रहे वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल फिशिंग से आने वाले प्लास्टिक वेस्टेज जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन करता है उसको पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है। बड़े बड़े वेबसाइट में प्लास्टिक स्ट्रॉज को यूज ना करने के लिए आर्टिकल्स लिखा जाता है, लेकिन फिशिंग गियर्स और फिशिंग नेट्स के लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट भी नहीं लिखा जाता है। यहां तक कि कोई सुपरवाइजर अपना काम ईमानदारी से करे तो फिशिंग माफिया उनको मार देते हैं। इंडिया में तो अगर कोई एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए आवाज भी उठाए तो उसको अरेस्ट कर दिया जाता है। मैं एक केस को हाईलाइट करना चाहूंगा। 2020 में दिल्ली पार्लियामेंट हाउस के सामने एयर पोल्यूशन के लिए दो माइनर बच्चे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको डिटेन कर लिया गया। कमर्शियल फिशरी क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट है, इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट में गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है? वेल, इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, लेट्स कीप इट सिंपल। सो एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि रूल रेगुलेशंस को और स्ट्रॉन्ग करके इंडस्ट्रियल फिशिंग को और भी ज्यादा सस्टेनेबल बनाया जाए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये अप्लाई करना आसान नहीं है, क्योंकि एक बार एक शिप समंदर में पहुंच जाता है तो उस शिप के अंदर क्या होता है उसके ऊपर नजर रखना मुश्किल है। एक और कॉन्ट्रोवर्शियल सॉल्यूशन ये है कि हमें सी फूड खाना छोड़ना पड़ेगा, लेकिन क्या सच में हम इंसान सी फूड खाना छोड़ सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि हम रोबोट्स या जानवर नहीं हैं, हम इमोशंस वाले क्रिएचर्स हैं। फूड सिर्फ हमारा एनर्जी सोर्स नहीं है, बल्कि फूड का हमारे ऊपर कल्चरल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहा है। हम चाहे सी फूड के लिए कितने भी परफेक्ट अल्टरनेटिव्स खोज के यूज कर ले, लेकिन एक स्पेसिफिक फूड का तलब हम इंसानों से निकालना आसान नहीं है, क्योंकि शायद सी फूड किसी के लिए कल्चरल वैल्यू रखता होगा और उस इंसान से उसके कल्चरल वैल्यू को मिटाना आसान नहीं होगा। शायद सालों लग सकते हैं हमें सी फूड छोड़ने के लिए, और शायद उतने सालों में सारा का सारा समंदर एम्प्टी हो जाएगा। हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि दुनिया भर के लोगों ने आने वाले 50 सालों में सी फूड खाना छोड़ देंगे, फिर भी सारा का सारा इंडस्ट्रियल फिशिंग या कमर्शियल फिशरी या सी फूड इंडस्ट्री का मार्केट खत्म हो जाएगा। उसका इफेक्ट यह होगा कि एक बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट गैप बन जाएगा। इतने बड़े बिलियन डॉलर इंडस्ट्री का खत्म होने से बहुत लोगों की रोजी रोटी चली जाएगी। इसीलिए पूरी तरह से सी फूड ना खाना एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। सी फूड से मिलने वाले न्यूट्रिशन की बात को इग्नोर कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सी फूड से न्यूट्रिशन से ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स मिलते हैं। प्रॉमिस्ड नेवरलैंड नाम की सीरीज में भी यही दिखाया गया है। एक प्रजाति के खाने के लालच के लिए एक दूसरे प्रजाति का मरना निश्चित है। पहली प्रजाति दूसरे प्रजाति को खाता है, लेकिन पहली प्रजाति के पास एक अल्टरनेटिव्स होते हैं, फिर भी वो दूसरी प्रजाति को खाने का लालच नहीं छोड़ता है। पैरासाइट द मैक्सिम नाम की सीरीज में भी यही दिखाया गया है कि एक प्रजाति के सर्वाइवल के लिए एक दूसरे प्रजाति को मरना जरूरी है। हाइपोथेटिकली इंडस्ट्रियल फिशिंग बंद हो जाए तो समंदर का इकोसिस्टम बहुत जल्द ठीक होने लगेगा, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन कम होने लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कमर्शियल फिशरी हमारे सी फूड के ओवर कंजम्पशन के ऊपर टिका हुआ है। इंडस्ट्रियल फिशिंग प्रॉब्लम का सबसे अच्छा सलूशन यही होगा कि हम धीरे धीरे करके लेस सी फूड खाएं। हम इंसान तो सी फूड खाना छोड़ने से रहे, और हमारे सर्वाइवल और टेस्ट के लिए हमें दूसरे प्रजातियों को खत्म करना पड़ेगा, जो कि एक दुख की बात है। समंदर और हमारे बीच के युद्ध में कोई भी जीते, नुकसान हम इंसानों का ही होगा। अगर समंदर जीता तो जो सी फूड खाते हैं उनको वो नहीं मिलेगा और एक बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट गैप बन जाएगा, और अगर हम जीते तो कुछ 60-70 सालों के अंदर पूरा समंदर खाली हो जाएगा और पूरे पृथ्वी का एनवायरमेंटल बैलेंस खत्म हो जाएगा और हमारे अंत की शुरुआत होगा। इंडस्ट्रियल फिशिंग या कमर्शियल फिशरी के बारे में आपको और भी ज्यादा डिटेल में सी स्पायरेसी डॉक्यूमेंट्री में जानने को मिल जाएगा, लेकिन क्या इसमें जो सब फैक्ट्स दिखाए गए हैं वो सब ठीक है? क्या सी स्पायरेसी के पीछे कोई प्रोपेगेंडा है? सच बोलूं तो सी स्पायरेसी में कुछ फैक्ट्स को मिस इंटरप्रेट किया गया है और कुछ फैक्ट्स को इनएक्यूरेटली दिखाया गया है, और इस बात को डायरेक्टर ने खुद एडमिट किया है। सी स्पायरेसी के वक्त कुछ लोगों ने डायरेक्टर को एक्यूज किया कि जो इंटरव्यूज डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है वो सब डायरेक्टर के अपने नैरेटिव के हिसाब से एडिट किया गया है। यूनिवर्सिटी
ऑफ वॉशिंगटन के फिशरीज एंड एक्वेटिक साइंस डिपार्टमेंट के फैकल्टी रे हिल्वर ने यह तक कहा है, सीस्पायरेसी डॉक्यूमेंट्री को बनाने के पीछे वेजिटेरियनिज्म और वेगनिज्म को प्रमोट करने वाले ग्रुप्स हैं। रे हिल्वर ने यह तक कहा है, सीस्पायरेसी वॉज नॉट ए डॉक्यूमेंट्री बट ए प्रोपागेंडा फिल्म क्रिएटेड बाय वेगन एक्टिविस्ट। डायरेक्टर अली तबरीजी ने 3 एक्यूजेशन में से एक एक्यूजेशन को एडमिट किया है। एडिशनली मुझे डॉक्यूमेंट्री में एक प्रॉब्लम लगा कि डायरेक्टर ने सी फूड ना खाने को सोल्यूशन देते हैं, लेकिन इस सोल्यूशन का क्या कॉन्सिक्वेंसेस और इम्पैक्ट होंगे उनके बारे में एक बार भी डिस्कशन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट्री और डायरेक्टर को बहुत बैकलैश मिलता है। विडम्बना यह है कि जहां पे डायरेक्टर स्लेवरी से पीड़ितों के ऊपर बात करते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन वहीं पर सी फूड इंडस्ट्री बंद होने से जो 100 मिलियन लोग बेरोजगार होंगे उनके बारे में एक छोटा सा स्टेटमेंट भी नहीं है। लेकिन डॉक्यूमेंट्री का अच्छा बात यह है, डायरेक्टर ने बिना डरे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट को एक्सपोज किया है और साथ ही साथ मेंशन किया है कि फूड ओवर कंजम्पशन एनवायरमेंट के लिए एक थ्रेट है। वेल, सीस्पायरेसी के ऊपर किए गए एक्यूजेशंस को ना ही मैं प्रमोट करता हूं और ना ही डिनाई करता हूं। ये आपके ऊपर है कि आप इस डॉक्यूमेंट्री को कैसे जज करते हैं। थैंक्स फॉर बींग टिल द एंड। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस पॉडकास्ट देन फॉलो मी ऑन एंकर एंड स्पॉटिफाई, एंड ऑल्सो थैंक्स टू स्पॉटिफाई फॉर गिविंग मी अ प्लेटफॉर्म टू रिप्रेजेंट माई आइडिया और थॉट्स। सेंड योर फीडबैक्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल, टैग फॉर मी इंस्टाग्राम, बी कनेक्टेड विथ अस ट्विटर। लेट्स मेक ए हेल्दी कम्युनिटी ऑन सोशल मीडिया। सायोनारा।